Don't cry over the past and don't stress over the future. Just put your mind at ease and enjoy this beautiful morning. बस इसी एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ मैं आज अपनी मॉर्निंग की शुरुआत करने जा रही हूँ और सोच रही हूँ कि आज का दिन मेरा अच्छा जाए और एक अच्छा आउटपुट वाला दिन निकले जिसमें मैं एटलीस्ट एक अच्छा काम तो करूँ। तो सबसे पहले उठ कर मेरा यही काम होता है कि मैं अपना डाइट चार्ट चेक करूँ कि मैंने आज के स्केड्यूल में क्या अपना लंच और ब्रेकफास्ट डिसाइड किया है। वो सब चेक करने के बाद मैं अपनी बाकी की रूटीन से प्रोसीड करती हूँ। सबसे पहले अपने बेड को क्लीन करने का काम होता है क्योंकि बेड को क्लीन करना इम्पॉर्टेंट है। सुबह उठ के अगर मैंने ये क्लीन नहीं किया तो सारा दिन ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मैं कॉलेज निकल गई तो फिर ये सब साफ होने से रहा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो है मेरी मॉर्निंग रूटीन को लेके। जो लास्ट टाइम मैंने अपने हेयर केयर रूटीन को लेके वीडियो बनाया था उसमें मुझे कमेंट आया था कि क्यों ना मैं अपनी डेली रूटीन भी स्टार्ट करूँ बनाना, एंड मैंने इवनिंग रूटीन भी बनाया था, तो मैं सोचा क्यों ना आज मैं मॉर्निंग रूटीन वीडियो शूट करूँ। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, आई गेट अप नियर अबाउट 6:15, 6:30, 6:45, तो आज 6:30 मैं उठ चुकी हूँ। एंड क्या क्या रूटीन मैं फॉलो करने वाली हूँ अभी अपने कॉलेज जाने से पहले पहले आई विल शेयर विद यू। सो यार, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज। मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के मैं अपना डाइट चार्ट, जैसे मैंने आपको अपनी इवनिंग रूटीन में बताया था कि डाइट चार्ट चेक करती हूँ कि आज ब्रेकफास्ट में क्या होने वाला है, लंच में क्या होने वाला है, क्योंकि लंच भी मुझे पैक करके उस कॉलेज के लिए लेके जाना होता है। तो दैट्स व्हाई पहले मैं उठ के वो सब चेक करती हूँ, अपना बेड में क्लीन कर चुकी हूँ। उसके साथ ये सब जब मेरे बेसिक रूटीन्स जब हो चुके हैं तो मैं अपनी कॉमन रूटीन्स फॉलो करूँगी एंड एक हैप्पी डे की शुरुआत करने वाली हूँ। तो उठते ही सबसे पहले मेरी शुरुआत होती है गर्म पानी और शहद के साथ। यूजुअली लोग शहद को पानी में मिक्स करके लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ स्पून में लेती हूँ और एक एक बाइट लेके, पानी के एक एक सिप लेके मैं इस जो है शहद वाले पानी को ऐसे लेती हूँ। अपनी अपनी मर्ज़ी है, सबका अपना अपना तरीका होता है, मुझे ऐसे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि पानी में मिक्स करके सारे फ्लेवर्स ख़राब हो जाते हैं और मुझे वो टेस्ट नहीं आता। मुझे शहद वैसे भी बहुत पसंद है लेकिन मुझे इतना मज़ा नहीं आता अगर मैं पानी में मिक्स करूँ। तो मैं शहद वाला पानी पीती हूँ अपने विंडो के पास जाके। मैं कर्टन्स खोल देती हूँ ताकि मुझे मॉर्निंग की सनराइज भी मिलती रहे और फ्रेश एयर में ब्रीथ करूँ। मैं अपने इस प्यारे से ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय करती हूँ और साथ में अपना जो हनी है और जो पानी है उसको अच्छे से पीती हूँ और ख़ुद को हेल्दी रखने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी लेमन भी ले लेती हूँ, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मूड। पावर ऑन, यू प्लग्ड इनटू नर्वाना। Your device is ready to pair. तो जैसे ही मैं खुद को हाइड्रेट कर लेती हूँ उसके बाद मैं करती हूँ मेडिटेशन और योगा। ये मेरा अल्टरनेटिव स्टेज पे चलता है, एक दिन योगा करती हूँ, एक दिन मेडिटेशन करती हूँ। तो आज मैं मेडिटेट कर रही हूँ और यहाँ बैठ के ही मेडिटेशन करती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा चल रही होती है और यहाँ पे एक कूल ब्रीज में अगर मेडिटेशन करने का अलग ही मज़ा आता है। और अच्छे से एक 10 मिनट का सेशन है जो मैं अटेंड करती हूँ और उससे मेडिटेशन कम्प्लीट करने के बाद अपना डे जो है मैं इस स्माइल के साथ स्टार्ट करती हूँ ताकि मेरा पूरा दिन जो है हैप्पी जाए। तो जैसे ही मेरा मेडिटेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं अपने लिए जूस बनाती हूँ फॉर माय हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर एंड हेल्दी बॉडी। और इस सब में मैं आज ऐड करूँगी बीट रूट, एप्पल, ऑरेंज और कैरेट भी ऐड करूँगी। और इन सबको मिक्स करने के बाद जैसे ही मेरा मेडिटेशन का सेशन कम्प्लीट हो जाता है मैं लेती हूँ जूस और उसके 20 मिनट्स के बाद अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। तो जब तक मेरा जूस कंप्लीट होता है तब तक मैं यहाँ पे दाल रख दूँगी क्योंकि मुझे लंच भी प्रिपेयर करना है। तो तब तक हमारी दाल जो है वो बॉईल हो जाएगी और फिर उसके बाद हमें सिर्फ तड़का ही लगाना है। तो जैसे ही मैं जूस पी रही होती हूँ तो उस दिन जो मेरी क्लास होती है मैं उसका टॉपिक एक बार देख लेती हूँ कि आज क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं। तो मेरा जूस भी साथ में हो जाता है, मेरी पढ़ाई भी साथ में हो जाती है। उसके बाद मैं ब्रश करूँगी और फ्रेशन अप हो जाती हूँ और अपनी बकेट भर लेती हूँ नहाने के लिए क्योंकि उस वक्त नहाना भी है। यहाँ पर मेरे कुकर में सीटी आना शुरू हो चुकी है, बस इसके बाद मुझे तड़का ही लगाना है। ब्रश कर चुकी हूँ, अब बस फेस वॉश कर रही हूँ अपना और बकेट मैंने भरने को लगा दी है ताकि मैं फटाफट नहा भी लूँ उसके बाद। तो यहाँ पे ये सारा रूटीन फॉलो करने के बाद मैं जाऊँगी किचन में लंच प्रिपेयर करने के लिए और साथ में ब्रेकफास्ट भी। सबसे पहले मैं लंच प्रिपेयर करती हूँ उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल बना दी है, चावल भी मेरे रेडी हो चुके हैं और मैं अपना टिफ़िन यहाँ पे पैक कर रही हूँ। मेरा पूरा लंच प्रिपेयर हो चुका है, अब बस मुझे ब्रेकफास्ट बनाने का बचा है। और आज ब्रेकफास्ट में मेरे पास है दलिया
और जैसे ही दलिया पकेगा तब तक मैं नहा के फटाफट से आ जाऊंगी। तो यहाँ पे दलिया बनाने के बाद मैंने पकने के लिए छोड़ दिया, यहाँ पे मैं नहाने चली गई हूँ और उसके बाद मैं नहा के आऊँगी एंड अपने बालों में कंघी कर रही हूँ और कॉलेज जाने के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। तो इसके बाद नॉर्मल सा स्किन केयर फॉलो करूँगी बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ड्राई वेदर है शिमला में और अगर ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे तो स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई और फ्लेकी हो जाएगी। तो बस अपना मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगा के मैं जाऊँगी एंड अपना बैग यहाँ पे पैक कर लूँगी। बैग पैक करते करते मैं अपना ब्रेकफास्ट भी कर रही होती हूँ साथ साथ में और यहाँ पे मैंने बॉटल लंच सब कुछ डाल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपना ब्रेकफास्ट भी साथ में कर रही हूँ और शूज़ भी निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे अब कॉलेज के लिए निकलना है जैसे तैसे। तो ये सब करने के बाद मैं हो चुकी हूँ रेडी, बस लास्ट में अपना बॉडी मिस्ट और अपने हाथों को मॉइस्चराइज कर लूँगी क्योंकि बाहर जब ठंडी हवा चलती है तो हाथों पर आके भी लगती है और हाथ भी आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। So guys, it's around 8:45 right now. और 8:45 मैं यूजुअली घर से निकल जाती हूँ या 8:50 तक और ऊपर से मैं बस लूँगी और अब कॉलेज के लिए निकल जाऊँगी। आई एम ऑल रेडी, ब्रेकफास्ट हो चुका है, लंच बन चुका है, बाकी का सारा रूटीन भी फॉलो हो चुका है और मैं नहा धो के तैयार भी हो चुकी हूँ। और सो अब मैं निकलने वाली हूँ कॉलेज के लिए, तो बस निकलने की तैयारी हो रही है। सो यार गाइस, आई एम ऑल रेडी एंड मेरी प्रेयर्स भी कंप्लीट हो चुकी हैं और मैं निकलने से पहले प्रेयर करती हूँ। जो मेरा ये वाला सेक्शन है यहाँ पे मैंने बाबा जी की तस्वीर लगा रखी है और सरस्वती माँ की फ़ोटो भी है, तो आई जस्ट बाउ देम। और ये सब करने के बाद वो शायद आई डोंट नो रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, बट हाँ आई हैव डन एवरीथिंग ऑफ माई टूडेज बेसिक रूटीन। मास्क में ले चुकी हूँ, बैग वेयर रेडी है, लंच में मैंने डाल लिया है। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे एंड यही था बेसिकली आज के वीडियो में मेरा मॉर्निंग रूटीन। वैसे बहुत सारी चीज़ें हो सकता है मैंने शूट ना करी हो बिकॉज शूट करने में बहुत टाइम लगता है एंड मैं लेट भी हो सकती थी। सो यार इट्स अराउंड 8:50 नाउ एंड आई हैव टू लीव टू द कॉलेज। सो यार दैट्स इट, आपको मेरी कॉलेज रूटीन जान के मॉर्निंग रूटीन जान के कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो यार दैट्स इट फॉर टुडे, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। सो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।